सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई ये व्लॉग बन रहा है बहुत दिनों बाद, ऑलमोस्ट महीनों बाद बन रहा है। मैंने बीच में व्लॉग करना छोड़ दिया था, लेकिन ये चैनल पर मैंने बहुत मेहनत की, तो ऐसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। तो मैंने इस चैनल में और अपने आप में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बचपन से मेरा ड्रीम था, एक सपना, मुझे फिजिक बनानी है, बॉडी बनानी है, लेकिन ये कभी सपना पूरा नहीं हुआ बहुत सारे कारणों की वजह से, या समझ लो मेरे एक्सक्यूजेस की वजह से। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया कि मैं ये सपना पूरा करके रहूंगा। आज है संडे, बज रहे हैं 10:10, मैं उठा हूँ 8 बजे। मैंने ओट्स वगैरह खाया, नाश्ता वगैरह किया, ओट्स, दूध, केला, एक बाउल था, और अभी वर्कआउट शुरू ही किया था मैंने, थोड़ा जस्ट रनिंग किया, वार्म अप किया, और फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बनाते हैं। मेरी हमेशा से आदत है मैं पहले थोड़ा रनिंग करता हूँ, थोड़ा बॉडी लूज करता हूँ। ये इधर है, ये मेरा ठुल्लू राम, इधर मेरी भतीजी शैतान शितू। आज मुझे बाकी दोनों से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज वर्कआउट थोड़ा और पुल कर पाऊंगा, तो देखते हैं कैसा चलता है। इसके बाद मैं थोड़ी स्ट्रेचिंग करता हूँ बैक की, चेस्ट के लिए ये अच्छा रहता है। दोनों हाथ शोल्डर के पास रखो, गहरी सांस लो एंड स्ट्रेच। मजा आ गया। थोड़ा हम गोने डू राइट नाउ, ये जो प्लेट्स है ये तो बहुत सालों से यार मेरे पास, बहुत सालों से समझ लो 2009 की प्लेट्स है ये। एक चीज़ मैं गॉड को थैंक करता हूँ कि ऊपर वाले ने मेरे को एक्सरसाइज का कीड़ा दिया है। भले मेरे पास सिक्स पैक नहीं है, वो नहीं है, लेकिन मेरे अंदर वो एक कीड़ा है। मैं कभी भी एक्सरसाइज बंद नहीं करता, करते रहता हूँ। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी मेंटेन मैंने कभी नहीं रखी इस वर्कआउट में, बट दिस टाइम आई एम गोना मेंटेन इट, चाहे जो हो जाए। तो अभी इसे असेंबल करते हैं, और मैं भी बेंच मारूंगा। बेंच नहीं है अपने पास, तो व्हाट आई एम गोना डू, मैं क्या करता हूँ, ये जो कबर्ड है इसको ले लेता हूँ यहाँ, और होता अपना धमाल शुरू। प्लीज़ आप सब इस बात का ध्यान रखिए कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं एक आम बंदा हूँ आप लोगों के जैसा, जो बॉडी बनाना चाहता है अपना, जो एक फिजिक का ड्रीम पूरा करना चाहता है, जो यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, गूगल करता है ये सारी चीज़ें, इंस्टा पे वर्कआउट के रील्स कैसे क्या है वो सारी चीज़ें देख के मैं शुरू किया है। तो अगर मेरे से कुछ कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, सो लेट्स गोना कंटिन्यू दिस। जितने मास्क की ज़रूरत है उतना मेरे बॉडी में है, बस इस मास्क को जो एक पोर्शन में है उसे पूरे बॉडी में डिवाइड करना है। बताओ भाई, वर्कआउट करते करते बच्चे का पॉटी हो गया, अब वो एक अलग वर्कआउट मेरे लिए, शोल्डर, बाइसेप्स, ये सब का वर्कआउट करो, पॉटी धोते धोते। चलो तो नाम में मुझे इतना आइडिया नहीं है, अब मैंने व्लॉग्स बनाना इस बारे में शुरू किया, तो आई डेफिनेटली रिसर्च के आगे जाके जब भी मैं वर्कआउट करूँ ऐसे व्लॉग्स बनाऊँ तो आप लोगों को पूरे डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन दूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मार रहा हूँ, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, तो इससे मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा। अरे इसने तो बेलन बना दिया लड़की ने, देखो हाँ बेलन आई थे, बेलन आए, एक्सरसाइज कर ना चाचू सर के, इसके पास इंजेक्शन रेड वाला है, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं देगा दवा, अगर शीतल ये मर देना, ये मर देना, Now it's turn for triceps.
अभी एक पोर्शन है जो मैं बहुत फटाफट कर लेता हूँ, वो है शोल्डर और बैक का। ये एक काइंड ऑफ मेरा फेवरेट भी है, मुझे बहुत मज़ा आता है ये करने में। मैं एक्चुअली डेली यही रूटीन फॉलो करता हूँ। हाँ, बीच में कुछ कुछ अलग अलग नई नई चीज़ें ट्राई करते रहता हूँ, लेकिन मैं फुल बॉडी वर्कआउट करता हूँ, रोज़ फुल बॉडी वर्कआउट करता हूँ। मुझे वही पसंद है, मुझे वो अच्छा लगता है एक्चुअली। पहले से स्टार्ट से लेकर अभी तक मुझे अगर करना है तो मैं फुल बॉडी वर्कआउट करता हूँ ऐसे, कभी चेस्ट, कभी बाइसेप्स, कभी ट्राइसेप्स, वो नहीं करता। हाँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, इसीलिए मेरा अभी तक एक प्रॉपर फिजिक नहीं है, लेकिन अभी मैं कंसिस्टेंट हो रहा हूँ। मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है काफ़ी दिनों से, ऑलमोस्ट महीना हो गया, तो होप सो रिजल्ट भी जल्दी अच्छे से अच्छा आएगा। जल्दी नहीं, टाइम से, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा तो भी चलेगा, पर कंसिस्टेंसी मैं मेंटेन रखूँगा इस बार। तो अभी शुरू करते हैं। प्रेशर फील होना चाहिए जिस जगह पे, बैक में, अपर साइड में, आई कैन फील इट मैन, आई कैन फील इट। तो बस यही था भाई हमारा आज का फर्स्ट डे वर्कआउट व्लॉग, वर्कआउट एट होम। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था जहाँ पर मैंने पूरी तरह डेडिकेटेडली सिर्फ वर्कआउट के बारे में बात की। आई नो मैं नया हूँ इस बारे में, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मतलब किस चीज़ को क्या बोलते हैं, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, बट मैं धीरे धीरे सीखूँगा। लाइफ एक सीखने का प्रोसेस है, मरते दम तक सीखते हैं, तो मैं भी सीखूँगा और आपको बताते जाऊँगा। होप्स, जो मैंने गोल सोचा है मेरे माइंड में, मुझे ऐसे बल्क नहीं चाहिए, बल्क नहीं चाहिए कि मैं हाथ बराबर से नहीं हिला पाऊँ, नहीं, फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए कि एकदम कटिंग वटिंग अच्छे से दिखे, मतलब, और मैं कहीं भाग दौड़ कूद फाद ये सब भी कर पाऊँ। ये अपना सोच है, अपना ड्रीम है बॉडी का। ऐसा नहीं कि बल बना लिया और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे बचपन से भागने दौड़ने का, उछलने कूदने का बहुत शौक है, तो मैं उस शौक को मरने नहीं देना चाहता, मैं उस बच्चे को ज़िंदा रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक लीन बॉडी चाहता हूँ जहाँ पर मेरी कटिंग्स वगैरह रहे और मैं कूद भाग सब कर सकूँ। तो बस यही आज का ब्लॉग था दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, किस चीज़ में इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो बस बाय बाय, टेक केयर। एक बात, बस एक बात हमेशा याद रखने का, एक बात, लाइफ में चाहे जो भी हो जाए, कितनी भी टेंशन आए, कुछ भी हो जाए, टेंशन नहीं लेने का, फोन लाइफ से। बाय बाय, टेक केयर।